26 जनवरी से पहले देश में आतंकी हमले की साजिश। छब्बीस जनवरी से पहले धमाके का प्लान। मॉल, भीड़ भरे बाजार और स्कूल कॉलेज आतंकियों के निशाने पर। जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के साथ बांग्लादेश का हिजबुल तहरीर रच रहा है 23 धमाकों की साजिश। भारतीय खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक 26 जनवरी से पहले आतंकी देश में बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। आतंकी एक साथ करीब 2 दर्जन हमले की साजिश में जुटे हैं। आतंकियों के निशाने पर मॉल, बाजार, स्कूल कॉलेज भी हैं। सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश का हिजबुल तहरीर पाकिस्तान के आतंकी संगठन के साथ मिलकर हमले की साजिश रच रहा है। इस बीच हरिद्वार के मंगौर में आईबी के इनपुट के बाद दिल्ली पुलिस ने अखलाक नाम के एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया। आईबी इनपुट के मुताबिक अखलाक का पठानकोट हमले से रिश्ता हो सकता है। अखलाक की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस ने 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इन गिरफ्तारियों के बाद हरिद्वार के अर्धकुंभ पर आतंकी खतरा मंडराने लगा है। आईबी की रिपोर्ट पर बिहार के आरा में एक संदिग्ध महिला को गिरफ्तार किया गया है। महिला के पास से असलहा भी बरामद किया गया है। माना जा रहा है कि ये गिरफ्तारियां आपस में जुड़ी हो सकती हैं और ये अलकायदा के मॉड्यूल का हिस्सा हो सकती हैं। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही पुलिस ने हरियाणा के मेवात से अलकायदा के एक आतंकी अब्दुल शमी को गिरफ्तार किया था। शमी झारखंड के जमशेदपुर का रहने वाला है, जो दुबई के रास्ते पाकिस्तान पहुंचा था। उससे पूछताछ के दौरान पुलिस को कई अहम सूचनाएं मिली थी। तो पठानकोट हमले के 3 हफ्ते बाद एक बार फिर देश पर आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक 26 जनवरी से पहले आतंकी देश में एक साथ कई हमलों को अंजाम देने की साजिश में लगे हुए हैं। खुफिया एजेंसियों को फोन कॉल इंटरसेप्ट के जरिए आतंकी साजिश का सुराग मिला है। रिपोर्ट देखें। सूत्रों के मुताबिक 15 जनवरी को बांग्लादेश के एक फोन कॉल को इंटरसेप्ट करने के बाद भारतीय खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर हैं। खुफिया एजेंसियों की चुस्ती की वजह है वो खुफिया कोड जो बांग्लादेश के उस फोन कॉल से रिकॉर्ड किया गया। खुफिया एजेंसियों ने 2 बार इसी तरह की बातचीत को रिकॉर्ड किया है। इस बातचीत में पहला शख्स दूसरे शख्स को बता रहा है कि डॉक्टर मेडिसिन लेकर आएगा और दूसरा शख्स कहता है ठीक है। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियां आतंकियों के कोड का मतलब समझने में जुटी हैं कि आखिर डॉक्टर मेडिसिन लेकर जाएगा का क्या मतलब है। सूत्रों के मुताबिक ये भी खुलासा हुआ है कि आतंकी 26 जनवरी से पहले देश के 23 ठिकानों पर तबाही मचाने की साजिश रच रहे हैं। इसकी जांच में भारतीय खुफिया एजेंसियां दिन रात एक किए हुए हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले सभी इनकमिंग कॉल पर निगाह रखी जा रही है। इसके अलावा देश के सभी राज्यों को अलर्ट भी भेज दिया गया है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश आतंकी संगठन हिजबुल तहरीर गुरदासपुर और पठानकोट समेत भारत के 2 दर्जन से ज्यादा जगहों पर आतंकी हमले की प्लानिंग कर रहा है। तबाही की इस साजिश में बम ब्लास्ट के साथ साथ आत्मघाती हमला करना भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों के रडार पर भीड़भाड़ वाले इलाके, मॉल, बाजार और स्कूल कॉलेज भी हैं। सूत्रों के मुताबिक हिजबुल तहरीर के हथियारबंद विंग हरकत उल मुहोजिनफी ब्रितानिया काफी वक्त से भारत पर आतंकी हमले के लिए ट्रेनिंग में जुटी हुई। खुफिया सूत्रों के मुताबिक हिजबुल तहरीर का यह हथियारबंद दस्ता केमिकल, बायोलॉजिकल और बैक्टीरियोलॉजिकल हमले में ट्रेंड है। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने देश के सभी राज्यों को हमले का अलर्ट भेज दिया है। खुफिया एजेंसियों की ये तैयारी क्यों ही नहीं है। दिल्ली से लेकर हरिद्वार तक पुलिस और खुफिया विभाग ने पिछले 2 दिनों में कई गिरफ्तारियां की हैं। आशंका अर्धकुंभ के आतंकियों के निशाने पर होने की भी है। क्राइम डेस्क, इंडिया 24/7। उत्तराखंड में आजकल अर्धकुंभ के अवसर पर हजारों लाखों की संख्या में भक्त आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं, लेकिन आतंकियों ने इसी अर्धकुंभ को निशाने पर लेने की पूरी तैयारी कर ली थी। हालांकि इससे पहले ये दहशतगर्द अपने मंसूबों में कामयाब हो पाते देख सुरक्षा एजेंसियों ने 4 आतंकियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। फिलहाल आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 15 दिनों की पुलिस रिमांड पर लिया गया है ताकि इनसे आतंक के राज
उगलवाई जा सके। देश में आतंकी खतरे को देखते हुए जो अलर्ट जारी किया गया है उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है लगातार आतंकियों की गिरफ्त में आना और उनसे हो रहे खुलासे। इन खुलासों ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। इस बीच उत्तराखंड और दिल्ली आईबी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में हरिद्वार के रोड़की से 4 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी ने अर्धकुंभ पर मंडराते आतंकी खतरे की तरफ इशारा किया है। चारों आतंकियों को दिल्ली लाया गया है जहां पर इनसे डिटेल पूछताछ जारी है। चारों आतंकियों की उम्र 21 से 22 साल के बीच है। हरिद्वार के लंढोरा क्षेत्र से मोहम्मद अजीमुसान और मोहम्मद मैराज और भगवानपुर से अखलाकुर रहमान और ग्राम जौरासी से ओसामा को गिरफ्तार किया गया है। इन आतंकियों ने हरिद्वार के रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, हर की पैड़ी समेत अनेक स्थानों की रैकी की थी और इनके निशाने पर हरिद्वार का अर्धकुंभ मेला भी था। पुलिस के मुताबिक ये चारों फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे लोगों से जुड़े हुए थे जो आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के काम में लगे हैं। फेसबुक एवं अन्य सोशल मीडिया का माध्यम से जो है किसी व्यक्ति के साथ जुड़ा है, जोड़कर जो है इनका जो इस टाइप का आतंक गतिविधियां का जो है उनको द्वारा मोटिवेट किया जा रहा है और इनका पास कुछ प्लान भी था कि इन्होंने जो है हरिद्वार में भी रेकी किया है एवं जो है जो हरिद्वार का आने वाले रेलवे ट्रैक में भी इन्होंने रेकी किया है। आतंकी खतरे को देखते हुए अर्धकुंभ मेला पुलिस ने पूरे मेला क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान शुरू किया है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु संगीनों के साय में स्नान कर रहे हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। खासकर होटलों और धर्मशालाओं के अलावा बाहर से आने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। हर की पैड़ी पर भी प्रवेश करने वालों की बारीकी से तलाशी ली जा रही है। दिल्ली आईबी द्वारा रुड़की के कलियर से पकड़े गए 4 संदिग्ध आतंकवादियों के बाद अर्धकुंभ नगरी हरिद्वार की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। मैं हूं इस समय तीर्थ नगरी हरिद्वार की मुख्य स्थल हर की पैड़ी पर पुलिस चप्पे चप्पर पर है। यहां पर सुरक्षा के पक्के इंतजाम किए गए हैं। यहां आने वाले श्रद्धालुओं की भी गहनता से चेकिंग की जा रही है। आईबी सूत्रों के मुताबिक अखलाक का रिश्ता पठानकोट हमले से भी हो सकता है। पकड़े गए आतंकवादियों से पूछताछ के बाद अर्धकुंभ पुलिस भी इन आतंकियों से पूछताछ करेगी। 24 घंटे हम लोग हरिद्वार को आने वाले रास्ते, हरिद्वार से जाने वाले रास्ते, हर की पौड़ी को आने वाले रास्ते या रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक की सुरक्षा का लगातार हम 24 घंटे इसको और बनाए हुए हैं और ये हमारा ही बना ही रहेगा। हरिद्वार से संदिग्धों की गिरफ्तारी और संदिग्ध फोन कॉल का ट्रेस होना ये वो सबूत है जो इशारा कर रहे हैं कि देश के दुश्मन एक बार फिर भारत को निशाना बनाने की साजिश में जुटे हैं। अब पुलिस और खुफिया एजेंसियों को इस बात का पता लगाना जरूरी है कि आतंकियों का ये कौन सा मॉड्यूल है और उनका मकसद क्या है। नरेश गुप्ता, इंडिया 24/7, हरिद्वार। और इन आतंकियों के पकड़े जाने के बाद उत्तराखंड पुलिस के एडीजी और आईजी गढ़वाल ने क्या कुछ कहा। केंद्रीय अलर्ट के बाद खुफिया तंत्र सक्रिय था। पिछले कई दिनों से इन संदिग्धों पर नजर रखी जा रही थी और जैसे ही पुलिस की संयुक्त टीम को लगा कि घटना को अंजाम ये दे सकते हैं उन्हें हिरासत में ले लिया गया। कल रात्रि में, देर रात्रि में थानागंग नहर पर 4 ऐसे एंटी नेशनल एक्टिविटीज में जो व्यक्ति पाए गए थे उनको दाखिल किया गया, जिसमें कुछ इनपुट्स हमारे पास थे इंटेलिजेंस के और अन्य हमारे सहयोगी एजेंसीज़ के, जिसमें दिल्ली पुलिस का भी रोल था। दिल्ली पुलिस ने एक मुकदमा भी लिखा हुआ है। 4 व्यक्ति उसमें गिरफ्तार किए गए। ये बहुत ज़रूरी हो गया था कि टाइमली इनकी अरेस्टिंग हो, उसको देखते हुए कल ये ऑपरेशन किया गया, जिसमें चारों जो हमारे क्षेत्र के हैं जो कि बेसिकली स्टूडेंट है और 18 से 22 साल की उम्र के हैं, इनका यद्यपि अभी तक कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड कहीं पर थाने या बाकी जगह पे नहीं आया है, लेकिन इनकी किसी और किसी अपराध में या किसी और मैटर में संलिप्तता से फिलहाल इनकार नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में हम लोग लगातार इंटरोगेशन कर रहे हैं। उधर दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने लश्कर के 2 आतंकियों को मार गिराया है। आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की भीड़ नैना बातापोरा गांव में हुई। सुरक्षा बलों ने यहां सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ था और उसी दौरान आतंकियों से उनका सामना हो गया।
सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि यहां आतंकी छिपे हो सकते हैं, जिसके आधार पर राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान जैसे सुरक्षा बल के जवान गांव की तरफ बढ़े, आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई में दो आतंकियों को ढेर कर दिया। इनके पास से हथियार और गोले बारूद भी बरामद किए गए। मुठभेड़ के बाद भी सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है, ताकि अगर कोई आतंकी छिपा हुआ हो तो उसे भी ढूंढ निकाला जाए या फिर मार गिराया जाए। पठानकोट आतंकी हमले के सिलसिले में पंजाब पुलिस के एसपी सलविंदर सिंह पर एरिया का शिकंजा कसता जा रहा है। आतंकी हमले में शक के घेरे में आए पंजाब पुलिस के एसपी सलविंदर सिंह का दूसरे दिन भी लाई डिटेक्टर टेस्ट हुआ। एरिया ने सलविंदर से पूछताछ के लिए सीएफएसएल को लंबे चौड़े सवालों की लिस्ट सौंपी है। सलविंदर के जवाबों से संतुष्ट न होने की वजह से लगातार दूसरे दिन भी उनका लाई डिटेक्टर टेस्ट हुआ। एनआईए ये पुख्ता कर लेना चाहती है कि सलविंदर पठानकोट हमले से जुड़ी कोई बात कहीं छिपा तो नहीं रहा है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए सलविंदर के जवाब के सहारे पठानकोट हमले के पूरे घटनाक्रम को जोड़ने की कोशिश में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक सलविंदर लाई डिटेक्टर टेस्ट में भी कई सवालों के सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं, और ऐसे में उनकी ब्रेन मैपिंग करवाई जा सकती है। हालांकि इसके लिए भी अदालत से इजाजत लेनी होगी। और देश एक तरफ आतंकी खतरे की आशंकाओं से घिरा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ नोएडा से सामने आई एक खबर ने पुलिस की चुनौती को और बढ़ा दिया है। नोएडा के सेक्टर 23 में रहने वाले आईटीबीपी के आईजी आनंद स्वरूप की नीली बत्ती लगी टाटा सफारी कार घर के बाहर से ही चोरी होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आनंद स्वरूप डेपुटेशन पर तैनात हैं और यूपी कैडर के आईपीएस हैं। नोएडा का सेक्टर 23 एक पॉश इलाका माना जाता है। सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी कैमरे भी यहां गेट पर लगे हैं और गार्ड्स की भी तैनाती है। चंद कदमों की दूरी पर थाना सेक्टर 24 भी मौजूद है। बावजूद इसके चोरों ने आईजी की नीली बत्ती लगी गाड़ी चोरी कर ली। पुलिस ने चोरी का केस दर्ज करके जांच शुरू किया है। आईजी साहब का घर है ये, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं ऐसा नहीं बताया किसका घर है। कौन सा सेक्टर में है ये? सेक्टर 23 में। नोएडा के सेक्टर 23 से आईटीबीपी के आईजी की नीली बत्ती लगी गाड़ी चोरी हो गई। हम तस्वीरों में आपको दिखाएंगे, ये वही मकान है आईजी आनंद स्वरूप का, यहाँ पर वो रहते हैं और इसी मकान के सामने उनकी नीली बत्ती लगी हुई सफारी गाड़ी खड़ी हुई थी। उस सफारी गाड़ी को चोर यहाँ से लेकर फरार हो गए। इस सेक्टर की सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा के लिहाज से गेट पर सीसीटीवी कैमरे और गार्ड तैनात हैं। ऐसे में जो लापरवाही है वो साफ तौर पर गेट पर तैनात गार्डों की भी देखने को मिली है, क्योंकि कोई भी गाड़ी अगर रात में निकल जा रही है, खास तौर से नीली बत्ती लगी हुई, उसको चेक नहीं किया गया कौन लेके जा रहा है, किस लिए लेकर जा रहा है। और साथ ही दूसरी तरफ हम बताएं, सेक्टर 24 थाना इसी सेक्टर से कुछ ही दूरी पर है। थाने की पुलिस और जो अधिकारी हैं नोएडा के, वो अलर्ट के चलते अपनी जो व्यवस्था है उसको चुस्त दुरुस्त होने की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से घटना सामने आई है वो कहीं ना कहीं पुलिस कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े करती है। अमित चौधरी, इंडिया 24/7, नोएडा। सिर्फ एक ब्लैकबेरी फोन की खातिर उसने अपनी नानी को मौत की नींद सुला दिया। उसने उधार लेकर फोन खरीदा था और उसी पैसे को वापस लौटाने के लिए उसने पूरी साजिश के तहत अपनी ही नानी का मर्डर कर दिया, लेकिन उसकी ये चालाकी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और इसी सबूत के आधार पर ये आरोपी भी सलाखों के पीछे है। ब्लैकबेरी फोन के चक्कर में किया नानी का मर्डर। तीसरी आंख ने खोला कत्ल का राज। वो बुजुर्ग जिनका हमें सम्मान करना चाहिए, जिनका हमें आदर करना चाहिए, वही बुजुर्ग आज जुर्म का शिकार बन रहे हैं और इस जुर्म को अंजाम दे रहे हैं उनके ही अपने। पुलिस की गिरफ्त में आया यह 24 साल का विक्की। विक्की पर आरोप है कि इसने रिश्ते को तार तार करते हुए मात्र एक फोन को खरीदने के लिए ली गई उधार की रकम को चुकाने के चक्कर में अपनी सौतेली नानी की हत्या कर दी और घर से करीब 4,500 रुपए चुरा लिए।
इस वारदात को अंजाम देने के लिए विक्की सोमवार को नानी के घर आया था। रात में नानी के ही घर में रुका और फिर कपड़ा धोने वाली थपकी से नानी के सिर पर वार कर दिया। इससे भी मन शांत नहीं हुआ तो विक्की ने नानी का गला दबाकर उनका मर्डर कर दिया। मामला का अकेली जाती थी घर में, पता गला घोट के बता रहे मार दिया है, सर पे वार किया, चोट लगी ज्यादा। एक परिवार में दो लड़कियां हैं, लड़का एक, लड़का जॉब करता है, छोटी लड़की का मैं हस्बैंड हूँ। ये सभी लोग अलग अलग रहते हैं? हाँ, अलग अलग रहते हैं सब। वारदात को अंजाम देने के बाद मंगलवार को चुपके से विक्की घर से निकल गया, लेकिन घर से निकलते वक्त उसी गली के एक मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में वो कैद हो गया और वहीं से वो आ गया पुलिस के घेरे में। वारदात को अंजाम देने के बाद अब पुलिस की गिरफ्त में आया विक्की पछता रहा है। उसका कहना है कि उसने सोचा नहीं था कि वो ऐसा कर देगा। विक्की की आंखों से भले ही पछतावे के आंसू निकल रहे हो, लेकिन उसकी सोच पर सवार हुए जुर्म ने अब उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। जहां कानून अब उसके गुनाहों का इंसाफ करेगा, वहीं सवाल खोखले होते रिश्तों की डोर को लेकर भी है। सवाल ये कि आखिर कहां जा रहा है हमारा समाज और क्या कर रही है हमारी युवा पीढ़ी। विजय शर्मा, इंडिया 24/7, दिल्ली। सैलरी सिर्फ 12,000 रुपए, लेकिन संपत्ति 3 करोड़ से भी ज्यादा, क्या ये मुमकिन है? शायद नहीं, लेकिन अजब एमपी के गजब सहायक प्रबंधक बसंती लाल ने इसे मुमकिन कर दिया है। जहां लोकायुक्त की छापेमारी के दौरान काली कमाई का खजाना खुला तो सबकी आंखें भी खुली की खुली रह गईं। काली कमाई का कुबेर, बसंती लाल की बेशुमार दौलत, 3 करोड़ की संपत्ति का खुलासा। बारह हजार सैलरी और संपत्ति करीब 3 करोड़। जी हां, आप देख भी ठीक रहे हैं और सुन भी सही रहे हैं। इस घर में किसी शादी ब्याह की तैयारी नहीं चल रही है, बल्कि यहां पड़ा है लोकायुक्त का छापा। ये घर मध्य प्रदेश के उज्जैन में सहकारी विभाग के सहायक प्रबंधक बसंती लाल शर्मा का है और बसंती लाल शर्मा के इसी घर पर पड़ा है लोकायुक्त का छापा। और उसके बाद यहां से क्या क्या मिला ये भी देख लीजिए। छापे के दौरान 10 लाख रुपए से ज्यादा का कैश मिला, 3 आलीशान मकान के दस्तावेज मिले, 5 गाड़ियां मिली, 1 एकड़ जमीन, लाखों के सोने चांदी के गहने, लाखों रुपए की बीमा पॉलिसियां, बैंक अकाउंट और बैंक लॉकर का खुलासा हुआ। छापे के दौरान कुल 3 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का अभी तक पता चल चुका है। इस दौरान कैश इतना ज्यादा था कि कैश को गिनने के लिए मशीन तक मंगवानी पड़ गई।